बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये अरब इन्फो चैनल में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैन अलाक़वामी परवाज़ें कब बंद की गई हैं और फ़्लाइट्स कितनी थी, इसकी तमाम तर डिटेल्स आप लोगों के साथ आज की वीडियो में डिस्कस करूँगी। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल दी अरब इन्फो पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को लाजमी से लास्ट तक जरूर देख लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर करते हैं अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि सऊदी अरब में कोरोना के पहले मरीज की तस्दीक जो है वो की गई थी। हकाम की जानिब से सऊदी शहरियों के लिए नौ ममालिक की सफ़र पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं, जहाँ कोरोना वायरस ने वबा सूरत हाल इख्तियार कर ली थी और सऊदी हुकूमत ने अपने शहरियों के वतन वापसी के लिए 72 घंटे की डेडलाइन मुकर्रर करते हुए फिजाई सफ़र पाबंदी आयद किए जाने का ऐलान किया है। परवाज़ों की तादाद पाकिस्तान के लिए कोरोना की वजह से एयरपोर्ट्स और परवाज़ों की बंदिश से पहले ही सऊदी अरब के चार शहर जिनमें रियाज, जद्दा, मदीना, मुनव्वरा और दमाम शामिल है, पाकिस्तान के लिए बराह रास्त परवाज़ों की सहूलत मुहैया कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को लाजमी से लास्ट तक जरूर देख लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक बिल्कुल अपडेट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।